हे गाइस एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो एक बार प्लीज सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करें जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, और एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए वॉइस आ रही है आपको, आवाज सुनाई दे रही गाइस। कैसे हो भाई भाई लोग? और गाइस कल मेरी क्लास नहीं हुई थी, उस कारण से प्रियंका मैम ने मेरी क्लास ली थी, मैं थोड़ा बिजी था। ठीक है, ऑल इज क्लियर। एक बार सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करें। और कैसी चल रही है यार आप लोगों की तैयारियां, कैसी चल रही है? कोई डाउट, कोई क्वेरी है फिलर फॉर्म में, कोई इशू आ रहा है प्लीज एक बार मुझे इशू शेयर कर दो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, फर्स्ट पेपर में या सेकंड पेपर में कहीं भी। सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करें। चलिए तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा नाम है जितेंद्र गोस्वामी और मैं आपको पढ़ाऊंगा आईसीटी। अब दोस्तों जो आपका फर्स्ट पेपर है उसके अंदर एक यूनिट है आईसीटी, वो आज हम लोग करने वाले हैं। मेरी अभी तक आईसीटी की 3 से 4 क्लासेस हो गई हैं, आप लोग वीडियो में जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। मैंने एक अलग से फोल्डर बनाया हुआ है सॉरी मैंने अलग से कोमल का नाम आ रहा है, मैंने अभी जस्ट कोमल का एसएमएस देखा, मैंने एक अलग से फोल्डर बनाया हुआ है उसमें आप लोग देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो दोस्तों मैं बात कर रहा था आईसीटी की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका फर्स्ट पेपर है उसमें एक यूनिट नंबर 8 है, एक 8 यूनिट है आपकी जो आईसीटी की है वो इसके अंदर आती है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने नॉर्मल देखा था कि इनपुट क्या होता है आउटपुट क्या होता है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटरनेट का और कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग यहां पर कवर करेंगे और वो है आपका मेमोरी। दोस्तों आज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले भैया, तो मजा आएगा, सभी लोग जल्दी से आ जाइए। और नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ऐप पे मिल जाएंगे क्लास के बाद, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सब सेट है? चलिए अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं, आज हम लोग इस क्लास में बात करेंगे मेमोरी के बारे में। भाई मेमोरी क्या होती है? ठीक है, हम लोगों ने हर जगह पढ़ाई कि यार तेरी मेमोरी कमजोर है बे पप्पू तेरे से पढ़ाई नहीं जाता, क्या पागल है क्या, भूल गया क्या। तो ये सब वर्ड ना मेमोरी के ऊपर आते हैं, इंसानों की मेमोरी के बारे में हम लोगों ने सुना है, बट क्या कंप्यूटर की मेमोरी भी ऐसी होती है जो भूल जाती है? नहीं, कंप्यूटर की दोस्तों मेमोरी कभी भूलती नहीं है, वहां पर एक ऑप्शन आ जाता है फॉरगेट पासवर्ड, तो वो भी हम लोग नहीं भूलते हैं। मतलब दोस्तों कंप्यूटर की ऐसी मेमोरी जो कभी भी कुछ भी नहीं भूलती, मतलब फ्लेक्सिबल भी नहीं है भैया, स्टैटिक होती है, बिल्कुल फिक्स तो फिक्स है, कोई भी इधर का उधर नहीं होगा। हाँ कभी कभी ये जरूर होता है कि मेमोरी जो है वो फॉर्मेट हो जाती है, वो पूरी डिलीट हो जाती है। ठीक है, तो पूरा जो आपका डेटा है वो उठ जाता है, वो चला जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी को? तो मेमोरी कुछ इस तरह से बनी गई है। अब हमारे आईटी के डिपार्टमेंट में, मतलब कंप्यूटर की दुनिया में मेमोरी सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, मेमोरी क्यों सबसे दोस्तों यहां पर बड़ी चीज है, एक मिनट सॉरी, तो मेमोरी क्यों दोस्तों बड़ी चीज है, क्योंकि बिना मेमोरी के कंप्यूटर में कोई भी काम नहीं होता। ठीक है, बिना मेमोरी के कोई भी कंप्यूटर में काम नहीं होता है। अगर आपको कंप्यूटर ऑन भी करना है, अगर हमें कोई चीज स्टार्ट भी करनी है, अगर आज आपको अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके ऑन भी करना है, तो उसमें भी मेमोरी की जरूरत होगी, बिना मेमोरी के आपका कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा। समझ में आ गया सभी को? गाइस समझ में आ गया? तो बिना उसके ये कोई भी काम नहीं करेगा। यहां तक समझ में आ गया? प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिए सभी लोग। चलो वेरी गुड, या अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ए मेमोरी जस्ट लाइक ए ह्यूमन ब्रेन, भाई जो मेमोरी होती है ना वो भी ह्यूमन ब्रेन की तरह होता है। इट इज यूज्ड टू डेटा स्टोर, ये स्टोर डेटा करने के लिए काम आता है।
और वहीं दोस्तों इसमें कुछ स्पेस होते हैं जहां पर हम लोग फाइलों को सेव करते हैं, और जब भी हम कोई कमांड देंगे, कोई रिक्वायरमेंट देंगे, जब ये काम करता है, बिना रिक्वायरमेंट के स्टोरेज काम नहीं करेगा भाई। जब हमें जरूरत होती है ना, कि जब ही सेव होता है, बिना फालतू के सेव नहीं होती मेमोरी। इंसानों में से क्या है, आधी बातें इधर से सुनी जो बिना काम की भी होती है ना, उसको भी हम लोग हमारे अंदर सेव कर लेते हैं, क्योंकि हमारी मेमोरी तो अनलिमिटेड है भाई। देखो जो YouTube पे क्लासेस होती है ना, उसकी भी PDF आपको हमारे ऐप पे मिल जाती है, फ्री जो कंटेंट होता है ना, फ्री कंटेंट वाले में जाओगे तो वहां पर मैंने फोल्डर बनाया है, वहां पर आपको मिल जाती है। ठीक है, अब हम लोग ने मेमोरी समझ लिया भाई। मेमोरी क्या होती है, स्टोरेज डिवाइस होता है जहां पर हम कोई भी चीजों को स्टोर कर सकते हैं, और उसके साथ जब भी हमें आवश्यकता होती है हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी को? प्लीज गाइज एक बार कंफर्म कर दीजिए यहां तक समझ में आ गया। और यार कमेंट करा करो यार, मजा आना चाहिए, क्लास एक एक्टिवनेस होनी चाहिए यार। 24 लोग देख रहे, 24 कमेंट आने चाहिए यार अभी तक। देखो मुझे फिर ऐसे मजा नहीं आता यार, आपके कमेंट आने चाहिए कि यस सर, डन 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 सर, आगे बताओ। 4-5 लोग कमेंट करते हैं यार, आप लोगों ने पेड कोर्स लिया, कोई फायदा उठाओ उसका। आलसी होने से जारफ नहीं आएगा भाई, पैसे लगे हैं, कमाओगे तो जोर आएगा, फैमिली वालों के पैसे ही है, कुछ कमाओ फिर पता चलेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, द मेमोरी इज डिवाइड इनटू लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ द सेल्स। ठीक है, अब दोस्तों मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो मेमोरी आज के जमाने में काफी स्मॉल होती है, काफी छोटी छोटी मेमोरी होती है। बट अगर मैं बात करूं 1940 की, जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था, उस टाइम पे जो मेमोरी की साइज आती थी वो भी एक पूरे कमरे के बराबर, मतलब आपका पूरा कमरा भर जाएगा, इतनी बड़ी साइज की मेमोरी आती थी। इतनी बड़ी बात है ये, देखो यार आजकल हम लोग कितनी छोटी छोटी मेमोरी आ जाती है, बट अगर मैं उस टाइम की बात करूं तो उस टाइम पे बड़ी बड़ी मेमोरी आती थी, मतलब बहुत बड़ी बड़ी। ठीक है, मतलब जैसे आपका पूरा कमरा हो गया, आपका जैसे पूरा बेडरूम हो गया, आपकी आलमारी हो गई, आपका फ्रिज हो गया, उसके बराबर की साइजेस आपके यहाँ पर देखने को मिलती थी। ठीक है, बट अब तो बिल्कुल चेंज हो चुका है ना, अब तो काफी कुछ चेंज हो गया, अब तो छोटी छोटी मेमोरी आ जाती है। ठीक है, अब कंप्यूटर की अगर मैं मेमोरी की बात करूं तो भी आपकी कैसेस मेमोरी होती है, फिर मेन मेमोरी होती है, फिर सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, सबसे छोटी जो मेमोरी होती है वो होती है कैश मेमोरी, ये याद आपको रखना है। ठीक है, कौन सी होती है, कैश मेमोरी भाई, सबसे छोटी जो मेमोरी होती है वो कैश मेमोरी होती है, और फास्ट भी यही होती है। ठीक है, चलिए अब मुझे कौन बताएगा कि मेमोरी और स्टोरेज क्या ये दोनों एक होते हैं, अगर एक होते हैं तो क्यों होते हैं, और अगर नहीं होते तो दोनों में अंतर क्या है। अब भैया मुझे आंसर दो, मेमोरी में और स्टोरेज में क्या अंतर है? आपने सुना होगा कि मेरा स्टोरेज इतना है या कि मेमोरी कितनी है, दोनों वर्डों में क्या समानता है? प्लीज आंसर दो यार, सभी के आंसर आने चाहिए। चलिए अब देखो, स्टोरेज इज कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन। अरे वाह, नो, काफी लोग कह रहे कोई अंतर ही नहीं है। देखो मेमोरी रेफर टू द लोकेशन ऑफ शॉर्ट टर्म डेटा, व्हाइल स्टोर रिफ्रेश टू द लोकेशन डेटा स्टोरेज लॉन्ग टर्म बेसिक। अब देखो दोस्तों, जो शॉर्ट टर्म जो डेटा होता है और एक लॉन्ग टर्म क्या डेटा होता है दोस्तों, शॉर्ट टर्म होता है जो आपके इजीली, ठीक है, शॉर्ट में है कि भाई ये अभी और चला जाए, पर एक लॉन्ग टर्म जो डेटा होता है जो आपकी मेन फाइल होती है, ठीक है। तो मेमोरी क्या होता है दोस्तों, ये आपकी लोकेशन को फिक्स करता है। अब मेमोरी में आपकी रेम आ सकती है, रोम आ सकती है, जो फिक्स करती है। बट अगर मैं बात करूं स्टोरेज की, तो स्टोरेज एक सेकेंडरी डिवाइस आता है जिसके अंदर हम कुछ चीजें स्टोर कर सकते हैं, जहां पर हम कोई डेटा को सेव कर सकते हैं। जैसे आपका पेन ड्राइव हो गया, आपकी मेमोरी कार्ड हो गया, आपकी हार्ड डिस्क हो गई,
आपकी सीडी की डीवीडी क्या स्टोरेज है ना भाई, स्टोरेज ही तो है। आपने देखा होगा कि आपकी जो आप पूछा जाएगा आपके मोबाइल का स्टोरेज कितना है, मतलब आपकी मेमोरी कितनी है, आपकी साइज कितनी है, ठीक है। तो स्टोरेज में क्या आता है कि दोस्तों जहां पर हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। यस, समझ में आ गया दोनों, दोनों में अंतर समझ में आ गया, मेमोरी लाइक मेमोरी में और स्टोरेज में। अरे बता दो बीरो बता दो, काफी लोग ये सोचते कि हम लोग इसका रिकॉर्डेड वीडियो देख लेंगे। देखो यार आप लोग देख सकते हो, बट जो मजा लाइव क्लास में आता ना भाई, वो फिर बात ही अलग है। जब मूवी आप लोग सिनेमा में देखने जाते हो, जब मजा आता है या नहीं आता, अब आप उसको कहीं डाउनलोड करके देखोगे फिर क्या मजा आएगा, ठीक है। तो मैं यार लाइव क्लास में आया करो आप लोग, काफी लोग नहीं आते हैं, चलो तो कोई ना, ऐसा आना चाहिए, ठीक है। देखो अब बात करते हैं हम लोग मेमोरी के बारे में। मेमोरी दोस्तों क्या होता है, मेमोरी इज द इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस ऑफ द डेटा। दोस्तों ये क्या करता है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्टोर करने में काम आती है। अब मुझे बताओ ये मेमोरी हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है, कौन मुझे बताएगा मेमोरी क्या है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर? मेमोरी क्या है, एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर? गलत। अरे मेरे भाई सॉफ्टवेयर कैसे होगा यार, मेमोरी हार्डवेयर है। क्या भांग पी गया क्या हम लोग सारे आज? मैंने क्या समझाया था, सॉफ्टवेयर क्या होता है जिसको हम छू नहीं सकते, मेमोरी को हम लोग छू सकते हैं। गाइस कहां ध्यान है आज, मेमोरी पेन ड्राइव सीडी डीवीडी मेमोरी कार्ड इनको आप छू सकते हो ना, तो जिसको हम लोग छूते हैं जो फिजिकली, इसको क्या बोलते हैं, हार्डवेयर तो बोलते हैं यार। ऐसे क्वेश्चन घुमा के आएगा फिर तो हो गया आपका, फिर जीतू भैया की क्लास लेने का फायदा क्या हो रहा है फिर आपको, इसे बताओ। अरे भाई पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया तुम लोगों ने, हार्डवेयर है मेमोरी यार गाइस। अच्छा सीला दिया तूने मेरे ये पढ़ाने का, ठीक है। मतलब यार मुझे तो लगा सच्ची में कि आप लोगों का हार्डवेयर आएगा सभी का, पर आप लोगों ने सारे ने सॉफ्टवेयर दे दिया। चलो कोई ना, गलती पर ऐसी गलती मत करा, बहुत इजी क्वेश्चन था यार। अब दो नंबर गए ना आपके फालतू में। चलो अब मेमोरी दोस्तों दो प्रकार की होती है, एक मेमोरी होती है प्राइमरी और एक मेमोरी होती है आपकी सेकेंडरी। दो प्रकार की मेमोरी हो गई, एक तो कौन सी हो गई भैया, एक तो हो गई आपकी प्राइमरी, दूसरी हो गई आपकी सेकेंडरी, ठीक है। मेमोरी मोस्टली जो टेक्निकल होता है उसमें दो प्रकार की होती है, ठीक है, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी, ठीक है। अब प्राइमरी को दोस्तों मेन मेमोरी भी बोला जाता है, ठीक है, और इसको क्या है दोस्तों, ये इनसाइड मेमोरी है प्राइमरी, और सेकेंडरी जो है वो आउटसाइड मेमोरी है। अब भाई प्राइमरी को मैंने इनसाइड मेमोरी क्यों बोला, देखो प्राइमरी जो मेमोरी होता है ना जिसके अंदर रैम और रोम आता है। अभी रैम रोम क्या होते हैं दोस्तों, ये अंदर लगे हुए आते हैं। आपने कोई मोबाइल परचेज किया उसके अंदर जो रैम आती है वो अंदर आती है, बाहर नहीं आती है, अंदर लग के आएगी। आपने कोई भी कंप्यूटर लिया उसमें भी मेमोरी अंदर लग के आती है, बट जो सेकेंडरी में क्या आ गया आपका पेन ड्राइव, कभी भी पेन ड्राइव आया है क्या, कभी नहीं आता, हमको अलग से लाना पड़ता है। सीडी डीवीडी हार्ड डिस्क ये सब हमें अलग से लानी पड़ती है, समझे क्या पुष्पा, समझे फ्लावर हूं मैं, ऐसा कुछ था ना डायलॉग, तो वो है यार मेमोरी है भाई, बहुत ही ये तगड़ी चीज ही है, ठीक है। अब देखो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, हम लोग पहले बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। दोस्तों प्राइमरी जो मेमोरी होती है ना आपकी, इसके अंदर दो प्रकार होते हैं, एक तो होती है इसकी रैम और एक रोम। प्राइमरी मेमोरी इंक्लूड रोम एंड रैम एंड इज द लोकेटेड क्लोज द सीपीयू ऑन द कंप्यूटर एंड मदरबोर्ड, समझ गए। ये दोस्तों सीपीयू के अंदर ही आता है, ये क्या करता है, ये सीपीयू के अंदर आएगा भाई, इसको पहले से इनबिल्ड किया जाता है, मतलब लगाया जाता है
पहले से। समझ में आया? इसके दो प्रकार हैं, प्राइमरी के दो प्रकार होते हैं, एक हो गया भैया रैम और दूसरा हो गया रॉप। एक बार सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भर भर के मैसेज करो कि सर दो प्रकार होते हैं, एक तो हो गया रैम और एक हो गया आपका रोम। ठीक है, अब देखो रैम को हम लोग मेन मेमोरी बोलते हैं, जो आपकी मेन मेमोरी कौन सी? रैम। क्यों? क्योंकि दोस्तों राम, राम भगवान क्या आते हैं? मेन आदमी ना भाई, राम भगवान तो मेन आदमी है, हमने इसको बोल दिया मेन मेमोरी। ठीक है, अब रैम के दो भाग है, दो प्रकार होते रैम के, एस रैम और डी रैम। अब आप मुझे बताओ राम जी के कितने पुत्र थे? पर राम जी के हाउ मच सन हैव या हैड? ठीक है, तो राम भगवान के दो थे भाई, एक था लव और एक था कुश। याद हो गया? बहुत ही सिंपल था, एस रैम डी रैम, सिंपल था ना भाई, कोई कुछ हार्ड था ही नहीं। अब रोम कितना है? आर ओ एम, तीन। ये लो, इसके भी तीन प्रकार हो गए लो। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम लोग डीपली में समझने की कोशिश करते हैं। और आज मुझे यार आपका एक गलत फीडबैक मिला, आज जब नीतू मैम की क्लास हो रही थी काफी कुछ बच्चों ने गलत कमेंट किए। देखो टू बी ऑनेस्ट हमें फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि जो सच्चा होता है उसको फर्क नहीं पड़ता है, बट आप लोग इस लेवल पे आके ऐसे फालतू की बातें करना आप लोगों के लिए काफी अच्छा नहीं है। आप लोग एक मैच्योर फैमिली से आते हो, पीजी लेवल के बच्चे हो, अच्छा नहीं लगता आप क्लास में से फालतू की बातें करते हो। दोस्तों उससे आपका लॉस हो रहा है, जो पढ़ा रहा है उसका तो कोई लॉस नहीं हो रहा, जो पढ़ रहे हैं उसका भी लॉस नहीं हो रहा, पर जो फालतू के कमेंट कर रहा है ना उसका काफी बड़ा लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजों पर ध्यान मत दो। एंड ये नीतू मैम मेरिड है भाई, उनके हस्बैंड है और अभी उनकी नई शादी हुई है, फालतू की बातें ना करे तो अच्छा है। एंड सी माई स्टूडेंट, वो मेरी एक स्टूडेंट है। ठीक है, देखो यार ये गलत है आप लोगों के लिए ना, ऐसी बातें मत करा करो आप। अगर आप एक चीज ध्यान रखना, अगर आप किसी की दो बुराई करते हो तो ध्यान रखना लोग आपकी चार बुराई करते हैं। ठीक है, अगर आपकी सास है ना आपकी बहू की बुराई करती है तो समझ जाना बहू सास की चार बुराई करती है। ठीक है, तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई देख। ठीक है, आपकी बार हो तो उसका मुझे नाम बता देना, उसका हम लोग कोर्स को डिसमिस कर देंगे, उसका अमाउंट भी रिफंड नहीं मिलेगा और कानून भी है। ठीक है, आप पेड कोर्स में तो आप ऐसी चीजें नहीं कर सकते, कानून है, धारा लगे, केस वेस हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे तो। ठीक है, चलो चलिए, अब प्राइमरी का हम लोगों ने पढ़ लिया था, दो प्रकार होते हैं, पहला है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा है रीड ओनली मेमोरी। अब देखो इस चीज को समझो, रैंडम एक्सेस मेमोरी रीड ओनली मेमोरी। अब रैंडम का मतलब क्या है भाई? आपको कोई हर चीज का एक्सेस मिल जाएगा, आपको क्या है? हर चीज का एक्सेस मिल जाएगा। और रोम में क्या है भाई? आप लोग ओनली रीड ही कर सकते हो बस। ठीक है, इसका क्या होता है कि आपको ओनली बस एक्सेस ही मिलेगा। यहां तक समझ में आ गया? और मैं डीपली में समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है। अब देखो दोस्तों रेम जो होता है ना वो इस प्रकार की होती है, आप लोग देख पा रहे होंगे इमेज में, रेम जो होती है वो इस प्रकार की होती है। ठीक है, ये आपके मोबाइल और कंप्यूटर के अंदर आती है। अब देखो रेम को हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, मेन मेमोरी होती है और काफी फास्ट होती है और ये काफी महंगी होती है। अब महंगी वाली चीज को हम लोग समझ लेते हैं, मान के चलिए भैया 4 GB की अगर आपको रेम लानी है ना, रेम रेम, तो करीब वो आ जाएगी 2000 रुपए की। वहीं अगर आपको 4 GB की मेमोरी लानी है नॉर्मल, तो आराम से 180 का आ जाएगा, आराम से 180 की वो आ जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें एक और वर्ड दिया गया है कि रैम क्या है? वोलेटाइल मेमोरी है। रैम क्या है? वोलेटाइल मेमोरी है। अब वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है मुझे कौन बताएगा? एक बार मुझे आंसर दो, वोलेटाइल क्या होता है? वोलेटाइल क्या होता है? जिसके अंदर हम लोग डेटा सेव नहीं कर सकते। बिल्कुल सही जवाब दिया, वोलेटाइल वो होती है दोस्तों। मान के चलिए आप कोई भी लैपटॉप पे कोई काम कर रहे हैं
और आपका पावर कट हो गया तो जो आपका डेटा है ना वो चला जाएगा, वो सेव नहीं रहेगा आपके पास। वो डेटा क्या है आपका, आपका डेटा चला जाएगा, वो सेव नहीं रहेगा, उसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। वेरी गुड, क्या बात है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं रेम की। अब रेम के दो प्रकार थे, मैंने जैसा आपको समझाया था लव और कुश। तो लव का नाम भी है डी रेम और एस रेम। डी और एस ये दोनों वर्ड को हमें समझना होगा बस। डी का मतलब होता है डायनामिक, एस का मतलब होता है स्टैटिक। अब मुझे कौन बताएगा कि डायनामिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, मुझे कौन बताएगा कि डायनामिक क्या होता है और स्टैटिक क्या होता है। मुझे कौन आंसर देगा, व्हाट इज द स्टैटिक एंड व्हाट इज द डायनामिक। देखो डायनामिक को हम लोग चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। डायनामिक मतलब भाई चेंज होना, कि आप उसको कभी भी चेंज कर सकते हो, कि यहां से उठाया यहां रख दे, यहां से उठाया यहां रख दिया। बट स्टैटिक में यह है कि भाई अगर आपने इसको यहां रख दिया ना, देन यू नेवर चेंज, आप इसको नहीं हिला सकते, यहां से नहीं हटा सकते। वो कहते हैं कि अगर सासु माँ ने बोलते हैं कि खाना बनेगा तो बनेगा भैया गोपी बहू, तो गोपी बहू अब इसको बात को हिला नहीं पाई क्योंकि वो कोकिला ने बोल दिया। अब कोकिला की बात क्या है, स्टैटिक है भाई, अब वो हिलेगी नहीं। बट डायनामिक क्या है, गोपी बहू की बात, वो हिल सकती है, ठीक है। ऐसे में रही है, एग्जाम्पल कैसा था गोपी बहू वाला, या मेरी क्लास है ना दो दिन चलती है, सोमवार और मंगलवार, ठीक है। एग्जाम्पल कैसा था एक बार यार मुझे बताओ, एग्जाम्पल कैसा लगा मेरा गोपी बहू वाला, ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए अब बात करते हैं एस रेम के बारे में। अब दोस्तों जो एस रेम होता है ना वो क्या है, स्टेडी है भाई वो। अब इसमें क्या होता है कि दोस्तों जब आप मेमोरी लगाते हैं कुछ स्लोट आती है, ऐसे स्लोट आती है जहां पर आप मेमोरी को लगा सकते हो। अब एस रेम में क्या होती है दोस्तों, वो स्लोट आती है, बट ये है कि जो एस रेम होता है ना आपका, आई थिंक पहले एस रेम काफी फास्ट होता है क्योंकि हिल नहीं सकता, तो आप इसको काफी फास्ट वर्किंग चला सकते हो। और ये हाई सर्वर के लिए यूज किया जाता है, जैसे बड़े बड़े सर्वर होते हैं ना उनमें इनका इसका यूज किया जाता है गाइस, ठीक है ठीक है। अब जो डी रेम है वो मैं आपको यहां पर ही समझा देता हूं। डी रेम होता क्या है, मोस्टली डी रेम, ठीक है, जहां पर आप लोग दोस्तों मेमोरी को हिला सकते हो, इधर से उधर हिला सकते हो। तो ये था हमारा मेमोरी का छोटा सा पार्ट। अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे हार्डवेयर के बारे में गाइस, हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक, अब कोई किसी कोई डाउट कोई क्वेरी है क्या, प्लीज एक बार मुझे बता दो। और अब जो अगली मंडे की क्लास होगी ना वो हमारी जबरदस्त क्लास होगी, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सभी को, तो आज के लिए इतना ही था गाइस, ठीक है। और आपके मॉक टेस्ट अपडेट हो चुके हैं, 9 तक मॉक टेस्ट अपडेट कर दिए हैं, तो आप लोग एक बार उसको एक्सेस कर लेना, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आज हिंदी की क्लास हुई थी, लेट हुई थी, यानी आपको नोटिफिकेशन आ जाता है गाइस, जब भी लाइव क्लास होती है ना आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाता है यार, ठीक है। थैंक यू सो मच, और मैं अभी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा।